is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. ऑनलाइन साइट्स पर जालसाजी के किस्से खूब चलते हैं, लेकिन अब फेसबुक पर हनी ट्रैप चल रहा है, जहां विदेशी लड़कियां अपनी खूबसूरत फोटो डालकर सीधे साधे लड़कों को फंसाती हैं और फिर उनसे लाखों रुपए की रकम वसूल कर उन्हें चपत लगाती हैं। ऐसा ही ताजा मामला मेरठ में देखने को मिला, जहां पर फेसबुक पर प्यार, इश्क और मोहब्बत की कस्में खाने वाला युवक 5.5 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गया। फेसबुक पे आया ऐसा फ्रेंड रिक्वेस्ट, 2 जुलाई को फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद प्रोसेस बढ़ता रहा हमारा। उसके बाद 4 तारीख में वो कहते कि मेरी सिलेक्शन हो चुका है, प्रमोशन हो गया मेरा कंपनी में। तो उसके बाद आपको मैं खुशी के मारे आपको एक गिफ्ट पार्सल करूँगी, उस पार्सल में आपको देख के आप खुश हो जाओगे उस पार्सल को। कैसे तो फिर उसके बाद पार्सल आने के बाद जब 4 तारीख में वहाँ से पार्सल डिपॉजिट हुआ, तो 6 तारीख में मुंबई एयरपोर्ट आता है। वो एयरपोर्ट से 10 बजे करीब मेरे पास सुबह के वक्त कॉल आती है कि आपका पार्सल मुंबई आ चुका है और आपको 25,000 रुपये पे करने हैं इस पार्सल को छुड़ाने के लिए। तो फिर उसका मैंने 7 तारीख में पार्सल छुड़ाने के लिए 25,000 रुपये पे करे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ती चली कि काफ़ी पैसे मेरे जा चुके हैं और इस सिलसिले में मेरा मकान भी गिरवी रखा जा चुका है। एक ये युवक है जो जॉब करता है, इसने किसी एक महिला से इसकी जान पहचान हुई फेसबुक के थ्रू, जिसमें और ज़्यादा इनके क्लोजनेस आई। उसके बाद इन्होंने मोबाइल पे चैटिंग शुरू कर दी और फिर महिला ने कोई पार्सल भिजवा कर इसके साथ ठगी की है, जिसमें इसने कुल मिला के 5,40,000 रुपये के आसपास उस महिला को ट्रांसफ़र किए हैं। अभी हमने इसकी जांच के लिए साइबर सेल को भेजा है और हम इसमें जहां तक संभवत है हम उसको मुलजिमों को ठगी करने वाले हैं। कौन से देश की महिला है? अभी इसमें हम जांच करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल नंबर्स किसी किसी देश के लेके किसी दूसरे देशों में यूज़ किए जाते हैं, तो वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इसका कहना है कि वो लड़की महिला जो है वो लंदन की रहने वाली है।